1982 में पहली बार पूरी दुनिया में 1G सिस्टम आया था। इस 1G में व्यक्ति केवल वॉइस कॉल कर सकता था। फिर 1991 से 92 के समय में 2G आ गया था। इसमें क्या था कि व्यक्ति वॉइस कॉल भी कर सकता था, साथ ही साथ मैसेज भी भेज सकता था। सन 2000 के आसपास पूरी दुनिया भर में 3G को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसमें होता ये था कि आदमी फोन कर सकता था, मैसेज भेज सकता था, साथ ही साथ मल्टीमीडिया जैसे इमेजेस और वीडियोस को भी ट्रांसफर कर सकता था। 2010 के आसपास पूरी दुनिया भर में 4G को लाया गया। 4G में क्या था, 4G के साथ ही पूरी दुनिया भर में लोग अब वीडियो कॉल से बात करना शुरू कर दिए थे। मोबाइल में कैमरा था और बस कैमरे को ऑन किया और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटिव्स के पास पहुंच जाती थी। आप मस्ती से वीडियो कॉल कर रहे हो। और अब 2021 में दुनिया भर के कुछ देशों ने 5G टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया है। 5G के आने से क्या होगा, अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अपनी कार को ड्राइव कर सकते हो। अपने 1000 किलोमीटर दूर वाले घर की लाइट को भी अपने मोबाइल फोन के कमांड से ऑन या ऑफ कर सकते हो। है ना जबरदस्त टेक्नोलॉजी। पर ये 5G आखिर काम कैसे करता है, किस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं कि ये 5G इस आधार पर दुनिया को बदल देगा, चलिए आपको यह सब बातें बताते हैं। ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर मोबाइल नेटवर्क काम कैसे करता है। हम किसी को जब फोन लगाते हैं या जब हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए, आपने किन्हीं घरों की छत के ऊपर मोबाइल टावर को तो देखा ही होगा। आपको पता ही होगा कि मोबाइल टावर का काम क्या है। इस मोबाइल टावर का काम आपके मोबाइल फोन से सिग्नल को भेजना या रिसीव करना होता है। एक बार मोबाइल से टावर तक सिग्नल आ गया, फिर उसके बाद इस मोबाइल फोन से आने वाला डेटा को ट्रांसफर करने का काम इसी मोबाइल टावर के नीचे से जाने वाले बड़े बड़े वायर्स करते हैं। देखिए होता क्या है, इन टावर्स के अंदर बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर लगे रहते हैं जो कि एक रीजनल मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर उस किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के व्यक्तियों का मोबाइल सिम का डेटा जैसे आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें रजिस्टर्ड रहती हैं। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में हैं और आप किसी भोपाल के व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने भोपाल वाले व्यक्ति को फोन लगाएंगे, आपके मोबाइल से सिग्नल नजदीकी वाले टावर पर जाएगा। वहां से सिग्नल टावर में लगे ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए लखनऊ के रीजनल मोबाइल स्विचिंग सेंटर में चला जाएगा। अब यही सिग्नल भोपाल वाले मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और फिर भोपाल के मोबाइल स्विचिंग सेंटर से ये सिग्नल भोपाल वाले व्यक्ति के नजदीकी टावर पर जाएगा और वहाँ से सिग्नल इस भोपाल वाले व्यक्ति के मोबाइल पर जाएगा और व्यक्ति को फोन आने लगेगा। इसी तरह कई जंक्शन पॉइंट से गुजरकर हमारा डेटा भी ट्रांसफर होता है। लेकिन हमें इस वीडियो में ये जानना है कि 5G कैसे काम करता है, आखिर किस आधार पर लोग कह रहे हैं कि 4G के मुकाबले ये 5G 100 गुना ज्यादा तेज स्पीड देगा। इसकी लेटेंसी यानी डेटा को रिसीव या ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 मिलीसेकंड तक होगा। चलिए आपको ये सब बातें बताते हैं। देखिए, नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने के लिए साइंटिस्ट ने नेटवर्क में 5 बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहला बदलाव 5G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो किया गया है वह है 5G मिलीमीटर पर ये काम करेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 GHz से 300 GHz तक, यानी ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव होती है जो कि दुनिया में पहली बार इस्तेमाल की जाएगी। अगर आपको पता नहीं है तो बता दे, जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी तेज होती है उतना ही ज्यादा उसमें डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी ज्यादा और फास्ट होती है। लेकिन इसका रेंज यानी इनका फिजिकल रेंज बहुत ही ज्यादा कम होता है, यानी ये बहुत ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाती है। इसलिए 5G को मजबूत बनाने के लिए दूसरा अपग्रेडेशन किया जा रहा है, वह है हर 200 मीटर पर एक स्मॉल सेलुलर टावर लगाया जाएगा जो कि इस मिलीमीटर वेव की रेंज को बढ़ाएगा। लेकिन साथ ही साथ नेटवर्क इतना अच्छा हो जाएगा तब जाहिर सी बात है कि यूजर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए नेटवर्क के कंजेशन को कम करने के लिए टावर्स में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाले मैसिव मीमो एंटीना लगाए जाएंगे जो कि संख्या में 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये होगा 5G को अपग्रेड करने के लिए तीसरा बड़ा बदलाव। आपको बता दे कि 4G में इन मैसिव मीमो की संख्या केवल और केवल 10 से 12 होती थी, लेकिन 5G में अब एक साथ टावर में 100 एंटीना भी लग सकते हैं। साथ ही साथ जिस यूजर पर ज्यादा ट्रैफिक आ रही होगी, जो यूजर ज्यादा डेटा को कंज्यूम कर रहा होगा दूसरों की तुलना में, वहाँ पर ज्यादा अच्छी तरीके से डेटा को प्रोवाइड करने के लिए बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिग्नल को यूजर तक पहुंचाने के लिए सिग्नल को बिल्कुल बीम की तरह यूजर तक प्रोवाइड कराया जाएगा। इसे सिग्नल ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरह समझिए। ये चौथा बड़ा बदलाव है 5G अपग्रेडेशन में। फिर उसके बाद 5G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो पांचवा बड़ा
बदलाव किया जा रहा है वह है फुल ड्यूप्लेक्स का। देखिए अब तक जो नेटवर्क हम यूज करते आ रहे थे उसमें टावर पर लगे रिसीवर एक समय में केवल एक ही काम कर पाते थे, या तो डेटा को रिसीव कर पाते थे या तो डेटा को ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन अब 5G टेक्नोलॉजी को फास्ट बनाने के लिए इसमें सिग्नल को दो लेन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी नेटवर्क टावर सिग्नल रिसीव भी कर सकता है और सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है, वो भी एक ही समय में। इन 5 बड़े बदलाव के साथ 5G 4G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करेगा। 5G काम कैसे करेगा? देखिए, मान लीजिए अगर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है और आप उस साइट पर जाओगे, आपने जैसे ही उस साइट पर कमांड दिया डाउनलोड करने के लिए, तो सबसे पहले आपके मोबाइल से ये सिग्नल आपके पास के टावर पर जाएगा। वहां से ये सिग्नल पूरी दुनिया भर में पहले समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया हुआ है वहां तक ट्रैवल करते हुए, मान लीजिए उस मूवी का सर्वर USA में कहीं पर है, तो USA से डेटा रीजनल स्विचिंग सेंटर तक आने में केवल और केवल 1 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा। और टावर पर लगे मैसिव मेमो एंटीना इस सिग्नल को मिलीमीटर वेव से बिल्कुल लेजर बीम की तरह आपके मोबाइल पर भेजेगा, और ये जो सिग्नल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 6 GHz से 100 GHz तक तो होगी ही होगी। बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में आपकी मूवी को 5 से 10 सेकंड के अंदर ही 1 GB की मूवी डाउनलोड करवा देगा। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा।